हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर सुल्तान लोन, लेक्चरर कॉमर्स, बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल यूनसू। टुडे आई हैव चूज ए टॉपिक फॉर क्लास 11th, इंटरनल ट्रेड, एंड द सब्जेक्ट इज बिजनेस ट्रेड। अब हम देख रहे हैं कि ट्रेड जो है इसकी दो किस्में हैं, और वी कैन से तीन किस्में हैं। तो पहला है इंटरनल ट्रेड, जो हम विद इन द बाउंड्रीज ऑफ आवर कंट्री या विद इन द बाउंड्रीज ऑफ, फिर अगर सिर्फ कंट्री में भी देखेंगे, विद इन द बाउंड्रीज ऑफ आवर स्टेट। तो आज हम देख लेंगे इंटरनल ट्रेड विच इज विद इन द बाउंड्रीज ऑफ आवर स्टेट। इंटरनल ट्रेड क्या होता है? इंटरनल ट्रेड ऐसी ट्रेड होती है जो हम अपने मुल्क में ही तैयार कर लेते हैं, मैन्युफैक्चर तैयार कर लेता है, तो बाकी लोग जो इसमें इन्वॉल्व मिडल मैन जो होते हैं, जो इन चीज़ों को कस्टमर्स तक पहुंचाते हैं, ऐसी तिजारत को हम इंटरनल ट्रेड कहते हैं, जिसमें हमें किसी बिरूनी मुल्क का सहारा ना लेना पड़े। तो अब इस इंटरनल ट्रेड के भी बहुत सारी दो किस्में हैं। इंटरनल ट्रेड के पहले हम देखेंगे कि कौन से लोग इन्वॉल्व हैं। पहले होलसेल ट्रेड, इसमें दूसरा है रिटेलर, रिटेल ट्रेड। पहले हम देखेंगे आज ये होलसेल ट्रेड क्या होता है। होलसेल ट्रेड कैन बी डिफाइंड एज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन लार्ज क्वांटिटीज। ये होलसेल जो होता है, इसमें मैन्युफैक्चरर जो, वो रिटेलर के पास खुद नहीं जाता, वो कंज्यूमर या कस्टमर के पास खुद नहीं जाता है, बल्कि उसके पास एक ऐसा आदमी आता है जो अपने आप को होलसेलर कहता है। ये होलसेलर क्या होता है? वो लार्ज क्वांटिटीज में इस मैन्युफैक्चरर से अपने गुड्स एंड सर्विसेज बाय कर लेता है, परचेज उसे खरीद लेता है। किस पर्पस के लिए? फॉर सेल, उसे खरीद लेता है रिसेल करने के लिए। यानी रिसेल किसको करता है? ये रिटेलर को बेच देता है। यानी दिस ये एक किस्म का जो मिडल मैन जो है, बीच में आता है रिटेलर और मैन्युफैक्चरर के बीच में। रिटेलर्स तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन मैन ये होलसेलर्स जो होते हैं वो कम होते हैं। होलसेलर ज़्यादा रिटेलर्स को टच कर लेते हैं, जबकि मैन्युफैक्चरर के पास पहले ये होलसेलर ही पहुंच जाता है। ट्रेडर्स एंगेज इन होलसेल ट्रेड आर नोन एज होलसेलर्स। होलसेल ट्रेडर्स आर होलसेलर्स। होलसेलर एक्ट्स एज एन इम्पॉर्टेंट लिंक बिटवीन मैन्युफैक्चरर एंड रिटेलर। रिटेलर को डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम देख लेंगे, अगर हम कोपाड़ा में कोई रिटेलर है, उसको डायरेक्ट कंपनी पर जाने की, जहाँ पर एक चीज़ें मैन्युफैक्चरर होता है, फॉर एग्जाम्पल टीन लेना है उसको या सीमेंट लेना है उसको, उसको डायरेक्ट सीमेंट वाले के पास, मैन्युफैक्चरर के पास नहीं जाना पड़ेगा। तो उसको रिटेलर के, होल सेलर के पास जाना पड़ेगा। होल सेलर उसके साथ जब कनेक्ट करता है, तो वो इसको अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स कर लेता है। देयरफॉर होल सेलर जो है, दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट लिंक बिटवीन मैन्युफैक्चरर एंड रिटेलर। अब ये रिटेलर क्या होता है? रिटेलर वो आदमी होता है जो छोटे छोटे, आप देख रहे हैं, दुकानदार जो है हमारी लोकेलिटी में, दुकानदार छोटे छोटे दुकान होते हैं, उनको हम रिटेलर्स कहते हैं। उनके पास आप जाते हैं, वो छोटे छोटे क्वांटिटीज में आपको जितनी चाहे आपको उसमें दे सकते हैं। लेकिन होलसेलर जो होते हैं वो ऐसा काम नहीं कर लेते हैं। वो तो आपको डालेंगे 50 बैग, 100 बैग, यानी अगर सीमेंट ले रहे हैं आपको 100 बैग, 200 बैग के हिसाब से डालेंगे। वो आपको 1 बैग या 2 बैग के हिसाब से बेच नहीं देते हैं। देयरफॉर ये होलसेलर जो होते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट रोल किस किस के बीच में करते हैं? जो गुड्स को प्रोड्यूस करता है और जो रिटेलर्स होते हैं, इनके बीच में जो मिडल मैन है, उसको उसी को हम होल सेलर कहते हैं। वो इनके दरमियान एक अहम किरदार अदा कर लेता है। अब हम देखेंगे व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ होल सेलर, इसके काम क्या है। फर्स्ट फंक्शन है या सर्विस क्या है? फैसिलिटेटिंग लार्ज स्केल प्रोडक्शन। पहले मैन्युफैक्चरर के लिए क्या काम करता है कि जब मैन्युफैक्चरर अपने फैक्ट्री में, यानी जब प्रोडक्शन कर लेता है, अगर उसको वक्त पर, टाइम पर उसके कस्टमर्स ना मिले, उनकी सेल ना हुई, तो वो और काम नहीं कर सकते हैं।
इसलिए होलसेलर जो है वो उससे ला यानी उसी वक्त वो प्रोड्यूस कर लेता है, ये तो गुड्स खरीद लेता है और अपने स्टोर्स में उसको जमा कर लेता है। तो होल मैन्युफैक्चरर जो होता है उसको आसानी हो जाती है जब वो पहला स्टॉक उसने यानी जो उसने प्रोड्यूस किया वो होलसेलर ने ले लिया, होलसेलर ने इसको पैसे दे दिए, तो इसलिए मैन्युफैक्चरर जो है उस काबिल हुआ कि वो अपने इस प्रोडक्शन को जारी रख लेता है, कंटिन्यू कर लेता है। उसके यानी उसके जो पैसा उसमें लगा होता है रॉ मटेरियल खरीदने में या एम्प्लॉयज पर इन्वेस्ट करने में, जब उसको पैसे मिलते हैं होलसेलर से तो वो और काम। देयरफॉर होलसेलर फैसिलिटेट्स द मैन्युफैक्चरर लार्ज स्केल प्रोडक्शन, यानी पैसा भी उसको मिलता है, गुड्स जो उसको कंपनी में हो तैयार किए फिनिश्ड गुड्स जो होते हैं जब वो होलसेलर ने ले लिए तो वो नए स्टॉक के पीछे पड़ जाता है, वो प्रोड्यूसर प्रोडक्शन नई प्रोडक्शन कर लेता है। दूसरा काम है फाइनेंशियल असिस्टेंस। अब मैन्युफैक्चरर के पास जो उसने पैसा था, कैपिटल लगाया था, वर्किंग कैपिटल जो था रॉ मटेरियल खरीदने में, उसमें उसने जब पहला स्टॉक बना ले लिया, जब मैंने होलसेलर ने उसे वो खरीद दिया तो उसके पास फिर से पैसा विद प्रॉफिट उसके पास पैसा आता है। देयरफॉर होलसेलर प्रोवाइड द फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर जो है जब उसके गुड्स उसके ये होलसेलर लेता है तो उनके पैसे उसको कैश होता है, तो आगे फिर काम उसके पास फिर वर्किंग कैपिटल आता है, रिसाइकिलिंग होती है, तो वो वर्किंग कैपिटल से फिर रॉ मटेरियल खरीद कर नया प्रोडक्ट शुरू कर लेता है। बियरिंग रिस्क तीसरा काम जो इसका है, जब मैन्युफैक्चरर गुड्स बना लिए अगर वो उसी के पास ज़्यादा टाइम रहे तो उनका खतरा वहाँ पर होता है, कहीं प्राइसेस डाउन हो जाते हैं, कहीं आग लग जाता है या चोरी हो जाती है, या स्टॉक जो डेड स्टॉक इसका बन जाता है, फॉर एग्जाम्पल सीमेंट होगा तो सीमेंट में भी अगर ये खराब हो गए तो ये रिस्क जो है ये रिस्क भी होलसेलर ही बियर कर लेता है। जब वो होलसेलर से माल लेता है तो अपने स्टोर्स में रख लेता है। देयरफॉर नाउ द रिस्क बियरर इज नॉट मैन्युफैक्चरर बट द रिस्क बियरर बिकम्स द होलसेलर। इसलिए मैन्युफैक्चरर का ये पर ये काम कर सर्विस कर लेता है कि जो वो माल बना लेता है तो ये लेता है, अगर उसमें कभी कभार नुकसान हो जाए तो वो होलसेलर को उठाना पड़ेगा, मैन्युफैक्चरर को नहीं उठाना पड़ेगा। एक्सपर्ट एडवाइस, एक्सपर्ट एडवाइस होता है अगर वो जो गुड्स मैन्युफैक्चरर बना लेता है अगर उनमें कोई कमी हो, अगर कोई शिकायत कस्टमर कर ले कंज्यूमर कर ले तो होलसेलर रिटेलर की वजह से कंज्यूमर तक पहुंच जाता है, तो वहां से जो एडवाइस होती है होलसेलर के पास आती है, होलसेलर ट्रांसफर इसको मैन्युफैक्चरर को कर लेता है। पांचवी फंक्शन है सर्विस जो है इसके होलसेलर की रिटेलर की मैन्युफैक्चरर के लिए वह है स्टोरेज। जब मैन्युफैक्चरर ने गुड्स बना लिए तो उसके पास उतनी जगह नहीं होती है कि बार बार वो गुड्स बनाता रहे अपने फैक्ट्री में स्टोर कर ले। ये जब होलसेलर ने उसके गुड्स जो उसने प्रोडक्शन कर लिए वो खरीद ली वो अपने स्टोर्स में जमा कर लेता है, इसलिए मैन्युफैक्चरर को स्टोर करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद है फैसिलिटेट्स कंटिन्यूटी, यानी ये होलसेलर की वजह से ये होता है कि जो मैन्युफैक्चरर उसने अपना स्टॉक जो प्रोड्यूस कर लिया, स्टॉक जब होलसेलर ने उठा लिया उसके पैसे भी इसको दे दिए, यानी वहां पर जॉमलिंग भी नहीं हुई, स्टाफ भी मौजूद नहीं रहा, तो वो इसको फैसिलिटेट कर लेता है फॉर कंटिन्यूटी ऑफ प्रोडक्शन, वो अपना काम कर लेता है। जिस तरह आप अगर लोकल मिसाल आप लेंगे, अगर किसी कारखाने में पेटियां बनाते हैं, कोई बनाता है पेटियां, अगर वहां पर स्टाफ मौजूद ही रहे तो उनको काफी मुश्किल का सामना करना पड़ता है, या फाइनेंशियल यानी पैसे के बारे में स्टाफ उनके पास ही है तो पैसा भी बंद रहता है। जब मैंने होलसेलर ने वो खरीद लिया पैसा वापस आ गया रिसाइकल हो गया, वहां पर जो जगह थी वो भी यानी कंप्लीट उसने यानी क्लियर कर ली, उसने अपने स्टोर्स में इस माल को ले लिया, तो वहां पर क्या कर लेता है फैसिलिटेटर्स कंटिन्यूटी, वो आगे का माल तैयार करना शुरू कर लेता है। हेल्प्स इन मार्केटिंग फंक्शन, होलसेलर जो होता है ये मार्केटिंग मैन्युफैक्चरर को मार्केट ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती है, यहाँ पर ये काम भी होलसेलर ही कर लेता है कि वो मार्केट कहाँ पर इसके गुड्स पहुँचाने हैं वो काम भी वो मैन्युफैक्चरर का होलसेलर ही कर लेता है। दीज आर द फंक्शंस ऑफ होलसेलर्स टू मैन्युफैक्चरर। तो कल हम